तो गाइस चलिए आज आपको सेंट्रल गवर्नमेंट होलीडे होम भुवनेश्वर में जो है उसका पूरा डिटेल में दिखाते हैं, बंगलो और रूम। तो चलिए देखते हैं गाइस भुवनेश्वर का ये सेंट्रल गवर्नमेंट होलीडे होम सीआरपी चौक से आपका जो पासपोर्ट ऑफिस है उस तरफ है। सीआरपी चौक से 200 मीटर होगा टुवर्ड्स डीएबी चौक। लोकेशन एकदम मस्त है, रोड के एकदम बगल में है, लोकेशन मस्त है, जगह मस्त है। तो गाइज ये रहा यहाँ का बिल्डिंग, दो स्टेयर हैं, ये फर्स्ट स्टेयर और ये सेकंड स्टेयर, मतलब ये ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर। और ग्राउंड फ्लोर में 5 या 6 रूम है, ऊपर में भी 6 या 7 रूम है, ऐसे कुछ टोटल 15 या 16 रूम है। तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए लुक, यहाँ पे डीजी सेट भी अवेलेबल है, अभी तो फिलहाल करंट नहीं है लेकिन डीजी सेट से करंट चल रहा है। और यहाँ का डेकोरेशन देखिए मस्त, बढ़िया व्यू है। वो है सीपीडब्ल्यूडी का ऑफिस और ये है बंगलो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड होम भुवनेश्वर। और ये देखिए आर्ट भुवनेश्वर में, आप जहाँ भी जाओगे ऐसे ही आर्ट आपको देखने को मिलेगा, सुंदर सुंदर आर्ट। और ये रहा आपका एंट्रांस, और इधर गाड़ी पार्क करने के लिए सेट बनाए गए हैं, ये ला हम लोग का गाड़ी। और बढ़िया शेड है पूरा लंबा सा, जितना भी गाड़ी आए आराम से जगह हो जाता है। और ये साइड में जो पार्क, जिमिंग पार्क है, मस्त वेल मेंटेन डेकोरेटेड है। और ये देखिए सीपीडब्ल्यूडी का सेंट्रल गवर्नमेंट होलीडे होम, और ये रहा आपका रिसेप्शन एरिया। हाँ तो गाइज ये रहा डाइनिंग हॉल, यहाँ पे आपको मतलब कैटरिंग से फैसिलिटी भी है, तो आपको यहाँ पे लंच डिनर और ब्रेकफास्ट मिल जाएंगे। और पेमेंट चेकआउट के टाइम ही लेते हैं ये लोग, काफ़ी चीप रेट है, इतना भी महंगा रेट नहीं है। तो गाइज ये एंट्रेंस से आते हुए हम लोग का रूम है 103। तो गाइज ये रहा हम लोग का रूम नंबर 103। ये जैसे ही एंट्री करोगे आप, एंट्री करते ही पहले है यहाँ पे वॉशरूम, बाथरूम, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ, ये है। और ये रहा बाथरूम, यहाँ पे मिरर है, बेसिन है, ये खाली हैंड वॉश उनका है, बाकी सब हम लोग का है। और ये रहा बाथरूम, शावर है, गीजर है, एग्जस्ट फैन है, सब है। और एक बढ़िया चीज़ दिखा रहा हूँ, और ये देखिए अंदर से पूरा मिरर, बाथरूम के अंदर आपको एक बड़ा मिरर मिलेगा। तो चलिए अभी देखते हैं रूम। बाबू इधर आ। तो रूम देखिए, रूम का नज़ारा कुछ ऐसा है, दो फैन है और एक सोफ़ा है, एक किंग साइज बेड है, और ये रहा एक अलमीरा, और ये रहा ड्रेसिंग टेबल। टीवी भी है लेकिन टीवी काम नहीं कर रहा है, इसका केबल नहीं है, शुरू में शायद काम करता होगा लेकिन मैं जब भी आया हूँ काम नहीं किया है। और एक 2 टन का एसी लगा हुआ है, क्योंकि रूम काफ़ी बड़ा है इधर से देखिए, तो 2 टन एसी आराम से ठंडा कर लेता है। और यहाँ पे है विंडो देखिए, साइड का व्यू देखिए, मेरा ग्राउंड फ्लोर में है तो ऐसे विंडो खोलने से आपको मिलेगा एक ग्रीनरी सीन। एक छोटा सा पार्क है यहाँ पे, जिमिंग पार्क है। और यहाँ पे है स्टडी टेबल, ये स्टडी टेबल, स्टडी लैंप दिया गया है, स्टडी टेबल है। और ये है इलेक्ट्रिक केटली, हमने लेके आया था घर में, लेकिन आपको 15 एम्पीयर का यहाँ पे स्विच बोर्ड मिल जाएगा,
काफ़ी सारे पॉइंट दिए गए हैं, मतलब चार्जिंग फार्जिंग के लिए आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। ये रहा रूम, और रूम से हर रूम में बालकोनी है, मतलब कपड़े वपड़े सुखाने के लिए। ये आपको स्टैंड मिल जाएगा कपड़े वपड़े सुखाने के लिए, और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है बालकोनी का। बढ़िया व्यू है। और अगर बेड के बारे में बात करूँ तो ये है किंग साइज बेड, और ये जो मैट्रेस है ये 8 इंच का मैट्रेस है। देखिए नाइट लैंप भी दिया गया है, एकदम 5 स्टार, मतलब 5 स्टार तो नहीं, 3 स्टार होटल टाइप का रूम है, और सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। तो गाई आप सबने रूम देख लिया होगा, तो ऐसे ही ये मतलब इस तरह के रूम ये बंगलो में है टोटल 15 या 16 है। ग्राउंड फ्लोर में है 6 और ऊपर में है आई थिंक 7 या 8, तो टोटल 15 कितना है। सब एसी रूम है, सब में 2 टन का एसी लगा हुआ है, क्योंकि सब रूम बड़े बड़े हैं। और ये रूम का कॉस्ट है पर डे 180 रुपीज। हाँ तो गाइस ये जान लेते हैं कि ये रूम को बुक कहाँ से करें। ये रूम सारे ऑनलाइन ही बुक होते हैं esampada.gov.in में, लेकिन उससे पहले आपके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो गाइस आइए बात करते हैं कौन ये रूम के लिए एलिजिबल है, मतलब कौन ये रूम बुक कर पाएंगे। तो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई ये रूम बुक कर सकते हैं 2 मंथ्स पहले। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए, करंट सर्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए ये जो हॉलीडे होम का स्लॉट खुल जाता है 2 मंथ्स पहले। और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी ऑप्शन है, पर स्टेट गवर्नमेंट के लिए 15 दिन पहले खुलते हैं स्लॉट, तो रूम मिलता ही नहीं है। और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए, एक्स सर्विसमैन या फिर रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए ये खुल जाता है, इसका स्लॉट खुल जाता है 1 मंथ पहले। हाँ तो गाइज एक ज़रूरी इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर आप यहाँ बुक करना चाहते हैं तो 2 मंथ्स पहले आप प्लान कीजिए, और 2 मंथ्स पहले ही इसको बुक कीजिए, क्योंकि 2 मंथ्स अगर आप थोड़ा सा भी लेट कर लेते हैं तो आपको रूम यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि पूरी यहाँ से नज़दीक है, तो सारे जो इंडिया के जो भी पूरी घूमने आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, पूरी में सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड होम नहीं है, तो सब यहाँ पर स्टे करते हैं। इसीलिए ये होल्डे होम का डिमांड बहुत है, इसीलिए इसको आप 2 मंथ्स पहले ही बुक करें ताकि रूम आपको मिल पाए।